अच्छा दोस्तों, जब इंसान से प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पूछा जाता है तो उन्हें सिर्फ बाढ़, भूकंप, सुनामी या फिर मौसम के बारे में पता होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के हैरान करने वाले कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, दोस्तों आप लोगों ने तरह तरह की नदियों को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने ऐसी नदी को देखा है जिसके 5 रंग के पानी बहते हों? कोलंबिया में मौजूद सेरेनिया डीला मैकेरिना माउंटेन में बहने वाली ये नदी 5 रंग की बहुत ही नेचुरल फेनोमिना के कारण दिखाई देती है। जुलाई से नवंबर के बीच यह हर साल दिखाई देता है। ये नदी दुनिया की सबसे सुंदर नदी भी कही जाती है। दरअसल दोस्तों, इस नदी के अंदर लाल रंग के मैकेरिनिया विगेरा नाम के प्लांट्स हैं और हरे रंग की और पीले रंग की मिट्टी भी यहाँ मौजूद है। इन्हीं सब वजह से इस नदी का रंग इतना रंग बिरंगा होता है और यह नदी बहुत ही साफ है क्योंकि इसमें कोई भी जानवर नहीं पाए जाते हैं। इस नदी को देखने के बाद आपको यही लगेगा कि आप एक किसी नई दुनिया में पहुँच गए हों जहाँ का नज़ारा इतना सुंदर है। नंबर 9, मून बॉल्स। मून बॉल्स एक ऐसा प्राकृतिक फिनोमिना है जहाँ पर पूर्णिमा यानी फुल मून वाले रात में रेनबो देखने को मिलता है। इसके 7 कलर आपको इतने गहरे नहीं दिखेंगे जितने कि आपको दिन के उजाले में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और कुछ तो इसे देखकर डर कर भाग भी जाएं, पर ये नेचुरल है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। वैसे दोस्तों, क्या आपने ऐसे नेचुरल फिनोमिना आज से पहले कभी देखे हैं या कहीं देखे हैं? अगर आपने जहाँ भी देखे हों तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 8, मेडागास्कर फॉरेस्ट ऑफ नाइफ्स। दोस्तों, मेडागास्कर में एक सिंगी डीप बामाहरा नेशनल पार्क भरा हुआ है। यहाँ पर आपको 160 सीफ लंबे लंबे नीडल्स देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आपको जंगल में जाना है तो इस चाकू को पार करके आपको जाना पड़ेगा। यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक है और इनका ये नुकीला शेप सिर्फ यहाँ की वातावरण की वजह से बना हुआ है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और आपको एडवेंचर अच्छा लगता है तो आपको यहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए और एडवेंचर का मजा लेना चाहिए। नंबर 7, किंगफिश। मछली जल की रानी है वाली पोयम तो आपने बचपन में बहुत सुनी होगी और पढ़ी भी होगी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि किंगफिश नाम की ये मछली लैंड ओरिया में बिना पानी के सांस ले सकती है, यहाँ तक कि कई सालों तक बिना पानी के भी जिंदा रह सकती है। दरअसल ये मछलियाँ हवा से सांस लेती हैं और यही चीज़ें इन्हें जिंदा रखती है, और ये मछली 400 मिलियन सालों से यहाँ पृथ्वी में पाई जाती है और ये आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगी। अफ्रीका में वैसे भी पानी की बहुत कमी पाई जाती है और यही वजह है कि इन मछलियों ने वहाँ की वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लिया है। नंबर 6, सन डूइंग कैप। दोस्तों, आपने कई सारी गुफाओं को देखा होगा और सुना भी होगा, लेकिन ये जो गुफा है ये आपको बहुत हैरान में डाल देगी क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा गुफा है जहाँ पर आपको जंगल देखने को मिलेगा। आप सोच ही सकते हैं कि ये गुफा कितनी बड़ी होगी और यहाँ का वातावरण भी बहुत अलग है और ये बहुत खूबसूरत भी है। ये गुफा वियतनाम में मौजूद है और 1.35 बिलियन क्यूबिक फीट के एरिया में फैला हुआ है और ये गुफा बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस भी है। वैसे दोस्तों, एडवेंचर करने वालों लोगों के लिए और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये गुफा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है जहाँ पर आप फुल एडवेंचर का मज़ा ले सकते हैं। नंबर 5, मामाटास क्लाउड। अब जरा इन क्यूट से दिखने वाले बादलों को भी देखिए जो दिखने में किसी वॉलपेपर की तरह लगते हैं, लेकिन ये बादल बर्फ की बारिश का साइन देते हैं जो बहुत ही यूनिक है। और वो भी ये बादल सिर्फ 10 से 20 मिनट के लिए ही दिखते हैं और जितनी देर ये दिखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मानो हम किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। वैसे दोस्तों, क्या आपने बर्फ की बारिश करने वाले किसी बादल को देखा है? अगर आपने देखा है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 4, पोरोरो का टिटल बोर। साउथ अमेरिका में मौजूद अमेजन रिवर में सर्फिंग करना आपकी सबसे आखिरी इच्छा हो सकती है, बट कुछ पागल लोग अपने बैट सूट पहनकर डोमिनो कैबिन पर आ जाते हैं ताकि वे लंबी लंबी पानी की लहरों पर सर्फिंग का मजा ले सके, लेकिन ये लहरें
इतनी लंबी होती हैं जिसे देखकर आपके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाएगी, और साथ ही साथ शार्क से लेकर पिराना मछली तक आपके वेलकम में यहाँ खड़ी रहती है। और ये तीनों खतरे एक साथ आपको एक ही पैकेज में मिलेंगी, यानी फुल डेंजर एडवेंचर पैकेज। वैसे दोस्तों, आप में से कौन कौन ऐसी जगह पे जाना चाहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 3, सकुराजिमा डर्टी थंडर स्ट्रोम। इस तरह की चीज़ें आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी। जापान में एक ऐसी जगह है जहां पर रोज़ ये थंडर स्ट्रोम देखने को मिलती है। इसे वाइट केनी लाइटनिंग के नाम से भी जाना जाता है, जो जापान के सबसे एक्टिव वोल्केनो में से देखने को मिलती है, और ये सकुराजिमा में देखने को मिलती है। ये साल में कई बार फटता है और यहाँ से निकलने वाली लाइटिंग आसमान में कुछ अलग ही दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद कोई भी डरे बिना नहीं रह पाएगा। नंबर 2, फॉल स्ट्रेक होल्ड क्लाउड। अब आप ये देखिए, जहाँ बादलों के अंदर अजीब से डिज़ाइन और होल आपको नज़र आएंगे, लेकिन ये होल तब बनते हैं जब आइस क्रिस्टल इतने बड़े होते हैं कि वो बादलों के बीच में जगह बनाने लगते हैं। ये नेचुरल फिनोमिना है जो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जब ये दिखता है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा हैरानी भरा होता है। आप इसे देखने के बाद ये ज़रूर सोचेंगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूँ, ये नेचुरल यानी प्राकृतिक घटनाएँ हैं जो कभी भी कहीं भी हो सकती हैं और किसी भी रूप में हो सकती हैं। नंबर 1, जेलीफिश लेक। ये एक ऐसी झील है जहाँ पर आपको दुनिया के सबसे जहरीले जीव खुलेआम घूमते नजर आ जाएंगे। यहाँ इस झील में करोड़ों की संख्या में आपको जेलीफिश घूमते नजर आ जाएंगे, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने जहरीले होने के बावजूद ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। और ये जेलीफिश 24 कैरेट गोल्ड, मतलब गोल्डन कलर की होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग और रहस्यमय फैक्ट को जानने के लिए आप हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक फैक्ट नीरज को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे नए वीडियोस के अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। और जितना हो सके आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों, आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।